Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. तो अस्सलाम वालेकुम यार, जैसा कि आज फिर आपका भाई एक और सफर पर निकला है और हमारे साथ मौजूद है हमारे नजम भाई। तो अभी हम जा रहे हैं लेसवा में, इनका कोई दोस्त है, उन्होंने इनको टूर्नामेंट पे बुलाया कि क्रिकेट खेलनी है तो आप आ जाएं। तो बस भाई ने कहा चलते हैं, और अभी सुबह के जो के 7 हो रहे हैं, तो हमने घर वालों को डिस्टर्ब नहीं किया और हम जा रहे हैं सीधा पाकिस्तान होटल पे, नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। ऐसा है कि यार रात को 5-6 लड़के तैयार थे, लेकिन सुबह हम दो ही रह गए सिर्फ, बस तैयार थे और अभी हम सिर्फ 2 बचे। हमने कहा है प्लेन कैंसिल नहीं होना चाहिए, 2 या 1 हो, जाना ज़रूर है। तो बस अब हम चलते हैं, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। ऐसा है कि हमें क्रिकेट छोड़े हुए, मुझे तो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, सही है। लेकिन अब हमारे पास आज 2 ऑप्शंस थे, छम वाटरफॉल का और दूसरा था लेसवा बाईपास का, दोनों ऑपोजिट हैं, एक नीलम वैली और एक झेलम वैली, सही है। तो हमने कहा चले अब 2 बचे हैं तो हम जाके टूर्नामेंट देख आते हैं या खेल भी आते हैं थोड़ा बहुत, अगर कुछ खेल सकते हुए। तो साथ बने रहिए। आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है साफ़ पानी के चश्मे यहाँ पे मौजूद हैं, और इस जगह को छलपानी कहते हैं। और ये जैसा कि नजम भाई पी के बता रहे हैं आपको, बिल्कुल फ्रेश वाटर यहाँ पे ढेर हैं चश्मे यार, ढेर चश्मे हर जगह पे आपको मिलेगा, ये देखें आप। हाँ यार, इस टाइम हम मौजूद हैं छलपानी में, तो ये हमारे पीछे एक जगह है, ये यहाँ पर एक होता था वाटर पार्क, ठीक है। तो ये जो नाला आ रहा है छोटा सा, वो इतना आया बारिशों की वजह से पिछले अरसे में कि वो वाटर पार्क ही ले कर चला गया। पहाड़ी इलाका है कश्मीर, और यहाँ पर ऐसी नेचुरल ट्रेजेडीज होती रहती हैं, सही है ना। नहीं, डरने वाली बात नहीं है। जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो अपनी प्रॉपर एक सेफ्टी के साथ हैं। और उसके अलावा मेरे साथ ये एहतिशाम हैं, जो इन ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और ब्लॉगर भी हैं, तो इसलिए तो मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे साथ आज चल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, ये हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर भी हैं, यूनिवर्सिटी में भी थे, मतलब आप चले गए। ऐसा है कि आज निकले हैं, पहली बार मौका मिला है नजम भाई के साथ सफ़र करने का, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत मुझे जितने भी लोग मुझे जानते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और ये मैं स्ट्रिक्टली कहूंगा कि इनके जो दवन पे बैंड, इनका एक उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाएगा। हाँ, वो ये बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, वहाँ भी आप उनको भी सब्सक्राइब करें, और इनका अपना एहतिशाम के नाम से जो व्लॉग का चैनल है वो ला सकते हैं। ये वीडियो भाई ठोक दो सब्सक्राइब। सिर्फ ईद पे मैंने जहाँ तक सुना है कि 200 पोस्टर्स नीलम वाली साइड एंटर हो चुके, 201 201 201 होगी, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। आप लोग भी हैं। पटिका मार्केट में हम पहुंच चुके हैं यार। एक और चीज यहाँ पे जो है ना, टिक्के वगैरह बड़े मशहूर हैं आगे, यहाँ के टिक्के बड़े, तो आओ कभी तो चेक जरूर करना यार। यार अभी हम देवलिया के मतलब करीब ही हैं, देवलिया पंचग्राम के करीब है। हमारी जो डेस्टिनेशन है, हाँ डेस्टिनेशन है वो ये जगह है, इसको कहते हैं चुंज पहाड़ी, और यहाँ से आगे फिर हम लेसवा बाईपास की तरफ जाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम, कितना अर्सा हो गया चलते हुए जी? हमको तो बहुत बड़ा अर्सा हो गया है तकरीबन, इस पे हमारी उम्र हमें याद है, हम चलते रहे। अच्छा, ये इस ड्राइवर के साथ आज का कितना हुआ है, महीने हो गए? आज तो हमारे तकरीबन ये 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। अभी आगे कहाँ जाना है? हम आगे हम जाएंगे शारदा। शारदा जा रहे? जी जी, शारदा जा रहे। कब तक पहुँच जाएंगे आप? क्या अंदाजा? तकरीबन 6-7 दिन लगेंगे। 6-7 दिन और लगेंगे जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
अभी हम पहुंचे हैं देवलिया में, तो ये नीचे वाला जो लिंक है यहाँ से हमें जाना है, ये टूर्नामेंट इस तरफ हो रहा है और ये ऊपर मेन रोड है जो आपको नीलम वैली के लिए शॉर्ट वे में ले जाएगी और मेन रोड। तो ये हमारे साथ कश्मीर के एक बहुत मशहूर बंदे खड़े हैं, क्रिकेटर हैं ये बड़े, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, मैं तो आपको सही बात है, मैं खुद क्रिकेट काफी अर्सा खेल रही और मैं दो साल तक नहीं खेल रहा। ये मेरे साथ मलक नसार खड़े हैं जो कि रिसेंटली केपीएल हुई थी और पूरी दुनिया में देखी गई थी, कश्मीर प्रीमियर लीग, उसमें जो मुजफ्फराबाद है जिन्होंने नुमाइंदगी की थी, ओपनर बैट्समैन थे भाई हमारे मलक नसार थे और बहुत अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पर कश्मीर के, मलक नसार। और इनके साथ जो खड़े हैं हमारे साथ उस्मान और इनका निकने मानी है जो मशहूर है मानी के नाम से, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है और ये बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं और ये बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर बहुत अच्छा। चले फिर चलते हैं अब साथ साथ आगे। क्रिकेट का वही जुनून नजर आएगा जो आपको इस्लामाबाद या लाहौर या कराची के मैदानों में नजर आता है। इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे ग्राउंड में, मैच भी खेलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो यार मेरे बिल्कुल बेग पे ये रही पहाड़ी, बेग कैमरा से आपको दिखाते हैं। यार ये वो चुंच पहाड़ी है, ठीक है, जो काफ़ी दूर से हमें आपको दिखाई थी और हमने आपको बताया था कि हम इसके बहुत करीब जाने वाले हैं। तो ये देखो यार, ढाई घंटे की ड्राइव के बाद हमें यहाँ वो जगह मिल गई जहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। ये देखें
हमारे नजम भाई जिन्होंने इतना अच्छा खेला, छः बॉल इन्होंने खेली और पाँच विकेट ग्राउंड। कैसा लगा यार, बहुत अच्छे बाद क्रिकेट खेली है। मजाक कर रहे हैं यार, पांच छक्के मारे भाई ने और लास्ट बॉल पे आउट हुए। सीरियस मत हो यार, बाइक राइड करने के बाद 70 स्कोर हो गया पांचवें ओवर में। अजय भाई बड़ा अच्छा कैच किया यार आपने, पांच बॉल छक्के जीते थे जीतने वाले। क्या बात है, चार बॉल छक्के सॉरी मैच जीत चुके हैं लगता तो ऐसा ही है। एक बॉल दो स्कोर हार गए, बालों वाले जीत गए। क्लोज अप करना, बालों वाले जीत गए। क्या बात है यार, नजम भाई मेरे साथ मौजूद हैं और ये बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं और उसे बयान भी करते हैं, तो आज आपको सुनाते हैं इनकी पोइट्री। मुझे तो सुनते रहते हैं ना मेरे चैनल पे, आपको नीचे डेयर वीडियोस मेरी मिलेंगी, लेकिन आज हम अपने चैनल पे नजम भाई को सुनेंगे उनकी पोइट्री, तो बढ़ते हैं इस तरफ। सामना हो ना हो हम सफर, राह कट जाए कुछ कहो हम सफर, इससे आगे बड़े पुरखतर मोड़ हैं, इससे आगे बड़े पुरखतर मोड़ हैं, इससे आगे का तुम सोच लो हम सफर। हम सफर ये बताओ कि तुम भी कभी, हम सफर ये बताओ कि तुम भी कभी, इश्क में खैर छोड़ो जाओ हम सफर, कर बिछड़ना है तो यूँ करो हम सफर, कर बिछड़ना है तो यूँ करो हम सफर। ये शायर है डॉक्टर इफ्तिखार मुगल साहब, उनका लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम है। तो यार नजम भाई के चैनल का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो ज़रूर इनके चैनल का विज़िट भी करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इनको सपोर्ट करें खूब और इनकी पोइट्री वगैरह को सुनें। जैसा कि अब नजम भाई की टीम फाइनल में पहुंच गई है, तो फाइनल हम खेलेंगे नहीं, हम काफ़ी लेट हो गए हैं और हमें जाना है वापस मुजफ्फराबाद के लिए, तो खुशी होंगे मेले छाए हुए पीछे। खैर हम अब निकलते हैं घर की तरफ, बारिश भी आ गई है, मौसम काफ़ी ख़राब खराब लग रहा है। अमूर भाई चलें फिर। बारिश लग गई यार अच्छी खासी, तेज हो रही है, तो यार ऐसा है कि जब बॉर्डर पे फायर वगैरह होते हैं ना, तो ये उस चीज़ की सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ डिज़ाइन किया है आर्मी ने, लोकल पीपल्स के लिए और अपने सेफ्टी के लिए। बल्कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ना, हाँ कुछ चादरों में ना निशान वो पड़े हुए फायर के निशान पड़े हुए, गोली है भी नहीं है कुछ पे, ये देखो ये गायब हो गई है। ये बॉर्डर एरिया आता है यहाँ पर इंडिया की तरफ से जब फायरिंग होती है, जो मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहाँ से जब फायरिंग होती है इंडियन आर्मी की तरफ से, तो तब उससे बचने के लिए ये एक सेफ्टी बनाई हुई, तो ये काफ़ी इस तरह इस एरिया में बनी हुई है चीज़, नाला कहते हैं। तो ये एक बार यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो गया था ऊपर, तो वो इतना उसने इतना पानी आया उसमें कि कुछ लोग भी उसमें, हाँ तो काफ़ी घर चले गए, रोडें गिर गई, बहुत नुकसान हुआ। ये आप रोड की हालत देख रहे हैं, बीच में काफ़ी ख़राब है, ये उसी की उसे के कारनामा है। और ये कि तकरीबन 12 से मेरा ख्याल है 15 तक लोग जो है ना उसमें फौत हो गए थे। नेचुरल डिज़ास्टर्स यहाँ आते रहते हैं। यहाँ से आप लेसवा बाईपास जिसको कहते हैं, वो यहाँ से आगे नीलम का रास्ता जाता है, ठीक है, और ये वापस नीचे मुजफ्फराबाद। ये चले आना व्यू पॉइंट है, ये आप सामने देख सकते हैं, बिल्कुल एक दरिया का बीच में बॉर्डर है और सामने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये आपको जूम करें अगर शाम को जूम करके देख लेंगे, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको सामने जो जगह है उसको टिटवाल कहते हैं, और जहाँ हम खड़े हैं इसको चलियाना कहते हैं। ये सामने बिल्कुल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नज़र आएगा आपको, और इस तरफ जो है आप इंडिपेंडेंट कश्मीर भी कह सकते हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कह सकते हैं। क्या बात है यार।
यार ये वो लिंक है जहाँ से हम सुबह दूसरे रास्ते के लिए निकले थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हो सकता है इससे फायदा भी हो। ओ मैं निकला गाड़ी लेके रास्ते में, ओ सड़क में।